जी मुमताज अहमद तार साहब, मिनिस्टर फॉर जनरल स्पीकर, ह्यूमन राइट्स। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, चूंकि डेवोल्यूशन के बाद 18th अमेंडमेंट के बाद ये सब्जेक्ट जो है सूबों को मुंतकिल हो गया है, और ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री ने रिसेंटली बड़ी इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन की हैं, जिनमें बच्चों के लिए खास तौर पर क्रुएल्टी टू चाइल्ड, क्रिमिनल लॉ सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2016 पास किया है, जिसके तहत 328 ए सेक्शन जो है उसको इंसर्ट किया गया है। ये पहले नहीं था जो बच्चों के साथ ज़ालिमाना सलूक का तदारक करता है। इस तरह जनाब हमने 377 ए इंसर्ट किया है, नया सेक्शन है, पहले नहीं था, जो बच्चों की सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में ये उसकी सजा भी तजवीज़ करता है और बड़ा सख्त कानून है। इस तरह 377 बी इंसर्ट किया है। जनाब हमारा जहाँ तक कानून साजी का तल्लक है, पॉलिसी का तल्लक है, वो तो वफाकी हुकूमत मिनिस्ट्री ये कर रही है, लेकिन एक्चुअली जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, इम्प्लीमेंटेशन की वजह दावाने की वजह यह है कि नाकिस पुलिस की जो है इन्वेस्टिगेशन है और जुडिशल सिस्टम में कुछ कमजोरियां हैं, जिस वजह से ये नहीं हो रहा, और सूबों से सूबे जो हैं अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। तो जनाब वाला इम्प्लीमेंटेशन जो सूबों का काम है, और हम सूबों पे राबता रखे हुए हैं और उससे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन की जाए। वफाकी हुकूमत और मिनिस्ट्री जहाँ तक हो सकता है वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि जराइम की रोकथाम की जा सके। स्पीकर, नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, ये इनेक्टमेंट होगी इसकी पार्लियामेंट से, अब इसकी कंपोजिशन होनी है, उसके लिए हर सूबे से एक एक मेंबर चाहिए, और हमने सूबों को लिखा है कि एक पैनल दें इनका मेंबर्स का, ताकि वो उसमें से सेलेक्ट कर सकें। जनाब वाली अभी तक जो है सूबा बलूचिस्तान से और फाटा से और कैट से तो आ गए हैं, पंजाब और सिंध से अभी तक हमारे पास पैनल के नाम नहीं आए। जो ही नाम आते हैं इसकी कंपोजिशन कंप्लीट हो जाएगी, ये अपना काम शुरू कर देगा जो नेशनल कमीशन ऑन चाइल्ड। दूसरे सवाल के बारे में फ्रेश नोट्स चाहिए, क्योंकि ये इससे मुतलका नहीं है जी।